हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरे एक नए वीडियो में फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। और मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, आने के बाद मुंह भी नहीं धोई हूँ, सीधे आ गई हूँ मैं किचन में यहाँ पर। और मैं बना रही हूँ अभी चावल, पर मेरा बन रहा है चावल। मैं आके सीधे चावल ही रख दी हूँ। और यहाँ पर मैं काट रही थी सब्जी, तो फिर ये बोले कि वीडियो बना ले, और इन लोग दोनों जन आके यहाँ बैठे हुए हैं। कैसे है, जल्दी आ गए हैं आप लोग? मेरा खाना हाँ बना ही नहीं है और इन लोग पधार चुके हैं, तो बोलती हूँ कैसे जल्दी आ गए। तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ा गजब क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, अब मैं सब्जी बना लेती हूँ, इन लोग को भी भूख लगी है, मुझे भी लगी है, तो चलिए बनता है खाना, फिर खाते हैं। फ्रेंड्स, मैं लाई हूँ सब्जी यहाँ पर। स्कूल से आते आते कुछ भी नहीं था घर में, तो बहुत सारी सब्जियाँ लेके आई हूँ। आलू प्याज तो था ही नहीं। ये गा रहे हैं यहाँ पर गाना, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए, जब खुद कंपोज किए हैं। आप सुबह घर से निकलते हैं, कहानी को ये बना रहे हैं, आपको कहाँ गाना खुद जाना कंपोज है करके बना रहे तो हैं। भला आप बताइए कैसा गा रहे हैं, क्या तनिक कैमरा तरफ देख करेंगे। लो हाय, तो बताइए फ्रेंड्स, इनका गाना कैसा लगा? कैसा मेरा गाना लगा आपको, कैसे लगा? उच्च कोटि का, अति सुंदर। उच्च कोटि का, अति सुंदर। और इधर बन रहा है मेरा खाना, सब्जी को भी मैं अभी खाली करूंगी। और मेरे गाने को सुनकर सोनू एंजॉय कर रहा है। और ये हमारे देवर जी गाना सुन के एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हो सोनू? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि लगी है सबको अभी भूख, तो थोड़ा सा बचा है बना बनने में। यहाँ पर मेरी टमाटर की चटनी बना रही हूँ, और यहाँ बन चुका है मेरा टमाटर चटनी। ये जल्दी बनता है करके इसको बना दी हूँ, क्योंकि सभी लोग भूखे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं इन लोग भूखे हैं इन लोग, क्या मैं भी वेट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये बन चुका है, तो चलिए इन लोग को मैं खाना दे देती हूँ, फिर मिलते हैं खाने के बाद। और यहाँ खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ छत के ऊपर कपड़े निकालने के लिए। ये कल के कपड़े हैं जो मैंने धोए थे, क्योंकि ड्रायर तो नहीं किया था, इसलिए मैं दिन भर आज रहने दी हूँ। सो फ्रेंड्स, एक बार में तो सारे कपड़े नहीं आ पाए हैं, और एक बार आऊँगी ऊपर, क्योंकि सारे कपड़े एक बार में पकड़ते नहीं बन रहे मुझे, तो फिर से चलते हैं ऊपर। इस कपड़े को रख देते हैं अभी। और यहाँ पर आ गया मेरा दूसरी बार का कपड़ा, तो इतने सारे कपड़े थे एक बार में नहीं आ पाए, तो लेके आई हूँ दो बार में। अब इसको समेटेंगे हम लोग बाद में, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ। मुंह हाथ भी नहीं धोई हूँ, सही खाना खा ली थी, बहुत भूख लग रहा था, तो और थोड़ा सा मैं भी आराम कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा दोपहर में नहीं सोगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको शाम को समेटेंगे, क्योंकि थोड़ा रात थोड़ा शाम हो जाता है, तो थोड़े से कपड़े भी गीले गीले टाइप से लगने लगते हैं, तो मैं इसको अभी ले आई हूँ। अभी बज रहा है 3 से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो चलिए थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद अभी हो रहा है शाम का टाइम, और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा अभी मार्केट, कुछ कुछ शॉपिंग करना है। क्या क्या लेकर आती हूँ मैं आपको घर आके दिखाऊंगी, तो मिलते हैं वापस शॉपिंग से आने के बाद। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं मार्केट से, और लेकर आए हैं बर्गर बनाने का सामान। तो पहले बर्गर की तैयारी कर लेती हूँ, फिर और क्या क्या सामान लेके आई हूँ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इस वीडियो पर, बने रहिएगा। और अभी चलते हैं, थोड़ा सा आलू बॉयल कर देते हैं कि कैसा बनाएंगे। मैं तो नहीं बनाऊंगी, यही बनाएंगे, तो आलू उबालने के लिए बोले हैं, तो मैं आलू उबाल देती हूँ, फिर देखते हैं। रेसिपी शेयर करती हूँ मैं आपको बर्गर का। सो फ्रेंड्स, आलू तो इसी में है, और मैं खाली ही नहीं कर पाई दोपहर को, सो गई थी थोड़ा सा आराम करने के लिए, तो इसमें आलू है। आलू को निकालते हैं पहले, और सारी सब्जी अभी निकल जाएगी अभी। यहाँ पर इनका वेजीज कट रहा है, धनिया मिर्ची, और इधर है बटर, मेयोनीज, सॉस, तो इसको भी छील कर रख दूंगी।
और इसको भाजी को भी साफ करूँगी। तो जल्दी बनाइए जी मिस्टर सैफ, मिस्टर सैफ। मेरे तो सिर्फ खाना बनाना रहता है, बाकी चीज़ तो यही मेरे को बना खिलाते हैं, इसलिए मेरे हेल्थ का राज यही है, है ना जी? तेरा हेल्थ का पोपट हो जाएगा फिर से। ठीक है, खा लेंगे, कभी कभार तो बनता है, खाना तो रोज़ बनता है। तो चलिए बनाइए, मैं जल्दी से आपका रेसिपी शेयर करूँगी। अभी क्या कर रहे हैं आप? अदरक छील रहे हैं। अदरक को छील रहे हैं, कद्दूकस करेंगे। और यहाँ पर इनका आलू मैश होगा, आलू की पैटी बनेगी ना जी? क्या कर, देखो आलू को ये कर रहे हैं। रुक जा, अभी रेडी हो रहा है बेटी, रेडी हो रहा है, फिर खाएंगे ना। ये इनका मटर अच्छे से बॉयल हो गया लग रहा है, कद्दूकस करके रख चुके थे। और यहाँ डाल रहा है धनिया, अब करेंगे सबको मैश। डाल सकते हो और थोड़ा सा बस। और ये है गरम मसाला, हल्दी का पाउडर, सारे मैश। यहाँ पर इनकी आलू की पैटी तैयार हो रही है। मोटा नहीं हो जाएगा? अच्छा टेस्टी बनेगा बोल दो है। हाँ उसी में रखो थाली में, कोई बात नहीं। वहाँ पर मैं निकाल दी हूँ कॉर्नफ्लोर, इसमें डिप करके सैलो फ्राई होगा। चलिए आप इसको बना लीजिए। और यहाँ बन रहा है कॉर्नफ्लोर का घोल, इसको डिप करके सैलो फ्राई करेंगे। तवा चढ़ा दो ना, चढ़ा दूँ तवा को? हाँ तुरंत हो जाएगा गर्म। अच्छा, और यहाँ पर ब्रेड को काट रहे हैं, इसको क्या करोगे जी? क्रश करेंगे, क्रश करेंगे ग्राइंडर में। और यहाँ पर ग्राइंडर में ला क्रश हो जाएगा। और यहाँ पर क्रश हुआ ब्रेड को निकाल दे रहे हैं प्लेट पर। सो यहाँ पर इनका तवा गर्म हो चुका है, तवा पे डल रहा है बटर, इतना सारा बटरी बटरी मतलब बटर के साथ डाल रहा है थोड़ा सा तेल। तेल क्यों डालते हैं, बटर जले ना करके? अच्छा, इसमें अब यहाँ पर है आलू की पैटी को डाल दे रहे हैं, यहाँ पर कॉर्नफ्लोर में डुबा रहे हैं और क्रश किए हुए ब्रेड पे पूरा फैला के डाल दे रहे हैं। और यहाँ पर डाल देंगे इसको, आँच को थोड़ा ज़्यादा करूँ कि रहने दूँ? और एक ठो आ जाएगा इसमें। और यहाँ इनका आलू की पेटी तैयार हो चुका है, अभी और बचा है 3 ठो। फ्रेंड्स अभी इन लोग का बन रहा है बर्गर, तो मैं इतने में कपड़े को घड़ी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कपड़ा घड़ी नहीं की थी दोपहर को। और ये लटकी है मेरे पास, नारे बागू हम लोग कपड़ा खड़ी करेंगे। देखो पूरा फैला हुआ है मेरा कपड़ा यहाँ पर। तो चलो सब घड़ी कर लेते हैं, फिर खाएंगे बर्गर, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। आयरन करने वाले कपड़े इसको भी अलग कर दे रही हूँ। चल बेटी इसको पकड़, इसको पकड़ और रख यहाँ पर। हाँ बस, ओके 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 बाय 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 गाइस, बोल बाय बाय। गंदा कर दे मेरा कपड़ा को, मेरा कपड़ा गंदा कर, कहाँ जा रही है? बाय बोल धीरे से। हाँ तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े घड़ी हो चुके हैं, आइए देखते हैं बर्गर कहाँ तक पहुँचा है। अब इसको मैं अपनी जगह में लगा दूंगी थोड़ी देर में, पहले बर्गर साइड चलते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पर बर्गर का पाव सीख रहा है, कितना टाइम लगता है सेकने में? थोड़ा सा हल्का सा। और इधर कट चुका है प्याज, टमाटर और आलू का पैटीज। तो अब फाइनली बर्गर रेडी होगा। और ये है
बागू बागू कह रही है हमारे पास नहीं आ रही है, है ना बागू? क्या क्या खाएगी बेटी, क्या खाएगी बता, उसको खाएगी? हाँ, ये भी वेट कर रही है बर्गर खाने का। अरे चाचू को अप्पा दे दी। इनका बर्गर अभी रेडी हो चुका है, अब थोड़ा एक आठ और बनाएंगे फिर खाएंगे हम लोग। कैसा दिख रहा है बताइए बर्गर, घर में बना पहली बार हम लोग के घर में बर्गर ना जी। फ्रेंड्स हम लोग का आज का डिनर ये है, खाना वाना तो नहीं बनाएंगे आज, तो खाएंगे आज बर्गर और सूप। फिलहाल सबका आ चुका है बर्गर, तो आइए मिलकर खाते हैं, कैसा लग रहा है बताइएगा। तो पास वाला तो ठीक तो है, काय का तो चीज वाला। अच्छा सो फ्रेंड्स हम लोग का खाना वाना हो चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं शॉपिंग करके क्या क्या लेकर आई हूँ। तो मैं लाई हूँ 3 डब्बा चूड़ी, ये है तिरंगा कलर का, ये है ग्रीन कलर का, ये ऑरेंज, और ये है वाइट। तो अभी आ रहा है 26 जनवरी, तो इसका तो जरूरत था तो इसको लेकर आई हूँ मैं। और मैं लेकर आई हूँ मेहंदी, आज इसको फुलाएंगे कल लगाएंगे। और ये लाई हूँ मैं काजल, ये मेहंदी के साथ मुझे दिए हैं इंडिगो पाउडर, डाल के देखते हैं क्या है। और मैं लाई हूँ यहाँ पर फेस पाउडर, पहली बार मतलब मैं ये सब चीज़ खरीद रही हूँ, मैं तो नहीं खरीदती हूँ। ये है इस कलर का नेल पेंट, इसको लगाई थी मैं, ये वाला है नेल पेंट। और ये मैं 2 सेट का लिपस्टिक लेकर आई हूँ। यहाँ पर है थोड़ा सा मैरून रेड में, रेड मैरून, और ये थोड़ा सा गाजरी में है, अच्छा लग रहा था लगाने के बाद। सो इतने सारे हैं। और मैं लाई हूँ, एक सेल लगा था कपड़े का, तो वहाँ से मैं एक कपड़ा भी लेकर आई हूँ। कपड़ा कपड़ा, मुझे कपड़े खरीदने का बहुत शौक है, तो मैं जब भी जाती हूँ कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। ये रहा मेरा कपड़ा, सेल लगा था तो उसमें का लेके आई हूँ। इनके भैया को भी पसंद आया था, वही पसंद किए हैं समझिए, कैसा लग रहा है बताइए। और लाई हूँ मैं 26 जनवरी के लिए तिरंगा वाला दुपट्टा, ये वाला दुपट्टा अच्छे से दिखाऊंगी तो दिखेगा तीनों कलर एक साथ, ये वाला दुपट्टा लेकर आई हूँ। तो इसी का शॉपिंग करने में गई थी, तो कैसे लगा मेरा सारा सामान बताइएगा। तो यहीं पर मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।